सध्या सोशल मीडियावरती विद्यमान आमदार मुफ्ती इस्माईल यांच्यावर मालेगाव महानगरपालिकेतील नोकर भरती संदर्भातील केलेल्या आरोपांचा व्हिडिओ व्हायरल झालाय. जनता दल सर्क्युलर पक्षाचे सरचिटणीस मुस्तकीम डिग्निटी यांनी आता यावर एक मोठा खुलासा केलाय. जे काही आरोप करण्यात आले त्याच्यावरती येत्या 2 ते 3 दिवसात तेही कागदपत्रांच्या पुराव्यासोबत उत्तर दिले जाईल. झोपडपट्टीतील लोकांच्या प्रश्नांवरती खरंच आस्था होती का? झोपडपट्टीचे पुनर्वसन या मागणीचे मुद्देही नीट मांडण्यात आले नाहीत. क्रीडा संकुल निधीबाबत बोलताना ते असे म्हणाले की महाविद्यालयाच्या बाहेर मोठ्या प्रमाणात गांजा चरस याची तस्करी होते, यावरही त्यांनी संपूर्ण माहिती दिली नाही. यावेळी ते मुद्देसूद बोलले नाहीत. कोणत्या कॉलेजला गांजाची तस्करी होते, कोणत्या भागात ते विकले जातात, त्याचबरोबर दादा भुसे आणि नितेश राणे यांच्या संदर्भात सुद्धा बोलण्यात आले, परंतु त्यांच्या पक्षाचे नाव न घेता त्यांच्यावरती परखडपणे टीका करण्यात आली का? अशा अनेक आणि विविध प्रश्नांचे उत्तर येत्या काही 2 ते 3 दिवसात कागदपत्रांच्या पुराव्यासोबत दिले जाईल असे जनता दल सर्क्युलर पक्षाचे सरचिटणीस मुस्तकीम डिग्निटी यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितले आहे. राजधानी गारमेंट जंक्शन लेडीज. बस मेरा एक मिसरा ही काफी है कि लो आप अपने दाम में सयाद आ गया. और असूरा के वक्त किसी का गम नहीं बढ़ाना चाहता, मगर 2-3 दिन के बाद गम का लिहाज नहीं. मैं भी अभी वो एक वीडियो देखा, सुना भी. मुहर्रम है, असूरा का टाइम है, गम का महीना है. मैं और किसी के गम के महीने में और इजाफा नहीं करना चाहता. बस मैं इतना ही बोलूँगा, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया. जवाब तो 2-3 दिन के बाद कागज पत्तर के साथ ही मैं देता. मैं हवा में बात ही नहीं करता, मगर 7 मिनट की वीडियो में 4 मिनट में तो मैं जो बोल रहा हूँ कि लो आप अपने दाम में सयाद आ गया, इसमें कोई झूठ बात नहीं. आपने कहा जवाब भी उसका मैं तगड़ा दूंगा, लेकिन हवा में नहीं दूंगा. मुकामी एमएलए ने जो नुमाइंदगी की है, आप उसको कैसे देखते? क्या वो वाकई किला झोपड़पट्टी के लोगों के लिए नुमाइंदगी थी या सिर्फ एक प्रोसीजर के तौर पर मतलब किया गया? क्योंकि जिस हिसाब से ना वहाँ प्रूफ दिखाए गए, ना बात को उस ढंग से रखा गया कि जिससे झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को फायदा मिल सके, उसको आप कैसे देखते? वो जो असेंबली में बोले, किला झोपड़पट्टी के मामले, रिपोर्टर जो काम करता वो काम की, तुम जो काम करते कोई चीज की इन्फॉर्मेशन देते कि ऐसा 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 हुआ है, ये रिपोर्टर का काम है. वही काम उन्होंने असेंबली में किया. इससे ज्यादा मैं वो बात को कोई अहमियत नहीं मानता. रिपोर्टर का काम क्या है? एक वाकया हुआ, उसकी रिपोर्ट दे देना, आवाम को दे देना, आला अधिकारियों को दे देना, बस वही काम किए. लीडर का काम यह है अपनी बात मनवाना, ये फर्क है. वो रिपोर्टर जैसी रिपोर्टिंग थी, वो असेंबली में समझ लो एक रिपोर्टर खड़े होके बोले, इससे ज्यादा कोई बात नहीं. हो शहर भर में इस प्रकार की बातें चल रही कि मतलब नुमाइंदगी किए, आवाज उठाए, बोले, इसको आप कैसे देखते? मुझे तो नहीं कहीं से समझ में आया. मुझे तो लोग यही बात बोले कि यार तो तुम ये क्या चाहते थे और ये क्या बोले, ऐसे ही मुझे बोला गया. कौन बोल रहा है? मैं जो समझा, मुझसे जो लोग मिले वो यही बात समझी कि यार आमतौर पे वो रिपोर्टर के जैसी ही बात बोलते हैं, लीडर जैसी बात नहीं बोलते. क्रीड़ा संकुल का फंड लेने के लिए उन्होंने जो स्पीकर के माध्यम से बात रखी, उसमें उन्होंने कहा कि कॉलेजों के बाहर मतलब चरस बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, लोग नशे के आदि हो रहे, इसको आप क्या कहेंगे? कौन सी कॉलेजों के बाहर चरस गांजा? तुमसे पूछना पड़ेगा ना, मैं कैसे बोल सकता? कॉलेज के बाहर का तो मैं, मुझे नहीं कहीं नजर आता. और अगर उनको कहीं मालूम होगा या उनको समझा होगा तो ये तो वही बता पाएंगे कि कौन सी कॉलेज है. और नाम के साथ बोलना चाहिए, डर किसका रहता हो? मुझे अगर मालूम पड़ेगा फला कॉलेज या फला के घर के बाहर, किसी रुस्तम के घर के बाहर बिक रहेगा तो रुस्तम के नाम के साथ बोलूंगा. असेंबली में नितेश राणे और दादा भुसे दोनों के खिलाफ कुछ नहीं कहा, ना पार्टी का नाम लिया ना नितेश राणे का नाम लिया, क्या कुछ साठ गांठ है? ये भी वही बताएंगे. आप कैसे देखते हैं?
मैं हमारा एक ही वो है कि यार फिरका परस्ती के खिलाफ जो माहौल शहर में बना, जो जो वाकया हुआ, उस मामले में नुमाइंदगी की ज़रूरत है, वो होना चाहिए। इसीलिए मैं चरखा आंदोलन में जो बोला था, मगर उस ढंग की बात नहीं हुई। और जब हमारे शहर के बारे में कोई MLA गलत बयानी से दूसरा जाति धर्म के नाम पे बोल रहा हो, तो उस वक्त हमारे शहर के नुमाइंदे का काम है कि उसको जगह पे काउंटर करें और सच्ची बात जो है वो कागज के साथ बताएं। वो चीज़ नहीं हुई है। सर्कल बनने वाला था, उसके इब्तिदा में सब लोग थे, आप लोग, तो सर्कल क्यों नहीं बना, क्या वजह? वो उन्होंने इल्जाम लगाया, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, सर्कल क्यों नहीं बना? सारी बातों का जवाब दूंगा। मैं एक बात जो बोल रहा हूँ कि यार मैं नहीं किसी का असूरा के वक्त और गम बढ़ाना चाहता। असूरा का वक्त है और गम बढ़ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि इस वक्त किसी का मैं गम ज़्यादा बढ़ाऊँ, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। स्कूलों के कमरे का क्या मामला? मैं वही बात बोल रहा कि मैं जो बोला हूँ, बस मेरा एक मिसरा ही काफ़ी है कि लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। और असूरा के वक्त किसी का गम नहीं बढ़ाना चाहता, मगर दो तीन दिन के बाद गम का लिहाज नहीं रहेगा। अकेला जिम्मेदार नहीं है उसका। क्या PWD विभाग में किसी के नाम बोल देने से, फोन कर देने से बिल निकल जाता है बिना काम? मुझे 7 मिनट की वीडियो में 4 मिनट में वो सब चीजें मिली है जो मेरी बदनवानी की लड़ाई में एक बहुत बड़ा काम मुझे आगे देंगी।